क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2022 का तीसरा मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की तूफानी हाइलाइट्स। दोस्तों, मयंक अग्रवाल और फैफ डुप्ली टॉस के लिए आए। दोस्तों, इस बार तूफानी तरीके से मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता। टॉस जीतते ही मयंक अग्रवाल ने भी गेंदबाजी काटने का फैसला किया, लेकिन इनका फैसला फैफ डुप्ली जो कि नए कप्तान बने थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, पूरी तरीके से खराब साबित किया। दोस्तों, फैफ डुप्ली और उनके साथ युवा बल्लेबाज अनुज रावत सलामी बल्लेबाज बनकर आए आरसीबी की तरफ से, और दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी धाकड़ और काफी शानदार शुरुआत दिलाई आरसीबी की टीम को। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में काफी बेहतरीन स्टार्ट की पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। अनुज रावत ने भी कुछ अच्छे छक्के लगाए और डुप्लीसी ने भी कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, इनकी साझेदारी को तोड़ना मुश्किल हो रहा था। तभी इस तरीके से अनुज रावत बोल्ड होकर रह गए राहुल चहर की घूमती हुई गेंद पर। दोस्तों, पहली विकेट 21 रन पर गिरी अनुज रावत की, जो 20 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद फैफ डुप्लीसी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का जलवा दिखाया विराट कोहली के साथ मिलकर। दोस्तों, इन्होंने आज आतंक मचा दिया, उनका बाखूबी साथ दिया हमारे पुराने कप्तान विराट कोहली ने। दोस्तों, फैफ डुप्ली ने इस बार धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले तो अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया इस तूफानी मुकाबले में, और आरसीबी का कप्तान बनते ही इन्होंने अर्धशतक लगा दिया मैदान पर। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अंत तक आकर डुप्लीसी और विराट कोहली के बीच में शतक की साझेदारी हो चुकी थी 100 रनों से भी ज्यादा। दोस्तों, तभी 88 रन पर खेलते हुए फैफ डुप्लीसी ने करारा शॉट लगाया। दोस्तों, शॉट बाउंड्री के पार नहीं गया क्योंकि बाउंड्री पर फील्डर तैनात था, जिसके चलते शाहरुख खान ने कैच पकड़ी डुप्लीसी की। 88 रन बनाकर 57 गेंदों का सामना करते हुए डुप्लीसी ने खेली एक कप्तानी पारी। दोस्तों, उनके बाद दिनेश कार्तिक का तूफान ऐसा आया मैदान पर कि पूरी पंजाब किंग्स को ले डूबा। दोस्तों, अंत में आकर 32 रनों की घातक पारी खेली दिनेश कार्तिक ने सिर्फ और सिर्फ 14 गेंदों में। दोस्तों, इनकी पारी को देख कप्तान पुराने कप्तान विराट कोहली भी हैरान होकर रह गए। दोस्तों, इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक के साथ विराट कोहली ने 41 रनों की नाबाद पारी खेली 29 गेंदों में, लेकिन दिनेश कार्तिक की 32 रनों की पारी सिर्फ 14 गेंदों में आई, जिसमें से उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके जड़े, जिसके चलते आरसीबी की टीम ने 205 रन लगा दिए 2 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए काफी बेहतरीन शुरुआत रही पंजाब किंग्स की, जहां 71 रन पर कोई भी विकेट नहीं गिरी थी पंजाब किंग्स की। तभी मयंक अग्रवाल ये करारा शॉट खेल बैठे वन इंदो हसा रंगा की घूमती हुई गेंद पर। 200 फ्लिप शॉट इन्होंने खेला, लेन गेंद के नीचे सामने शहबाज आ गए, जिसके चलते मयंक अग्रवाल 32 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गया रंगा की गेंद पर। उनके बाद धवन भी काफी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 243 रन बनाकर सामने की गेंद पर हर्षल पटेल की फैफ डुप्लीसी को अपनी कैच दे बैठे, और 43 रन बनाकर धवन भी आउट हो गए। दोस्तों, इसी के साथ शिखर धवन 43 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। दोस्तों, उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे राजा पक्षा, इन्होंने भी बेहतरीन पारी खेली मैदान पर, मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की ताकत पारी खेली। दोस्तों, सिराज की इस गेंद पर सामने खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे और शहबाज ने इनकी कैच पकड़ी, जिसके चलते ये भी 43 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दोस्तों, उसकी अगली गेंद पर सिराज ने इस तरीके से राज बावा को LBW आउट करा दिया। दोस्तों, उनकी हैट्रिक बॉल थी, लेकिन वह हैट्रिक पूरी नहीं कर पाए। इसी के साथ राज बावा भी मात्र 0 रन बनाकर सिराज की गेंद पर आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद लैम लिविंगस्टोन बड़ा शॉट तो खेल बैठे अक्षदीप की गेंद पर, लेकिन गेंद के नीचे एक और बार अनुज रावत आ गए, जिसके चलते लैम लिविंगस्टोन 19 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। दोस्तों, मुकाबला अंतिम चरणों पर आ चुका था और मैच को पूरी तरह से बदल दिया ओडियन स्मिथ ने। दोस्तों, ये छक्का सामने का लगाया, सिर्फ ये एक ही छक्का नहीं, 3 छक्के लगाए ओडियन स्मिथ ने सिराज को और हर्षल पटेल को। दोस्तों, उनका साथ दिया बेहतरीन तरीके से शाहरुख खान ने, दोनों की पारी ने एक ओवर रहते हुए पंजाब किंग्स की टीम को यह तूफानी मुकाबला जिता दिया। जी हाँ दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने इतना लक्ष्य काफी बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, आप पंजाब किंग्स की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें।